तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐप के अपडेट के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं सैमसंग का जो गुड लक वाला ऐप होता है जो कि कस्टमाइजेशन के लिए होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है थीम पार्क ऐप। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए या फिर बोल सकते हैं क्या नया एड ऑन किया गया है, सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको थीम पार्क ऐप के नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल की यहाँ पर गुड लॉक वाली ऐप में चले जाना है। गुड लॉक वाली ऐप में जाते ही आपको सबसे पहले ही वहाँ पर एक अपडेट मिल जाएगा जो कि है थीम पार्क ऐप के अंदर। उस ऐप के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे वो आपको ऑटोमेटिक आपके गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा। गैलेक्सी स्टोर पर जाने के बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है। इस अपडेट को 7 अगस्त को रोल आउट किया गया, मतलब कि परसों के दिन इसको अपडेट को रोल आउट किया है, जिसका साइज है 22.25 MB का, जिसका वर्जन नंबर है 1.0.9.62। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नया चेंजेस किया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है UI को इम्प्रूवमेंट किया गया है और फिक्स कलरिंग इश्यूज़ को यहाँ पर रेक्टिफाई किया गया है। तो पहले तो कर लेते हैं अपडेट, फिर इसको यूज़ करके देखते हैं कि UI में क्या नया चेंजेस किया गया है, क्या नया इम्प्रूवमेंट किया गया है, क्या फिक्सेस कलर के इश्यूज़ किए गए और एक्चुअल में अपन इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसा कि कुछ लोगों को इसको यूज़ करना भी नहीं आता होगा, तो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले होने देते हैं इसको अपडेट। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे वो आपको ले जाएगा आपके थीम पार्क ऐप के अंदर। थीम पार्क ऐप में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे आपको 3-4 नीचे ऑप्शन मिल रहे होंगे, जैसे थीम्स, कीबोर्ड, क्यूब पैनल, आइकन्स, वॉल्यूम पैनल, ये आपको नीचे कस्टमाइज के ऑप्शन मिलते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर कुछ UI में इम्प्रूवमेंट किया गया है, मतलब कि कुछ लेआउट में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया होगा। सबसे पहले आपको मिलता है थीम पार्क का ऑप्शन, यहाँ पर आप अपने हिसाब से थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फोटो को करंट वॉलपेपर के हिसाब से उठा लेना है, गैलरी उठा लेनी है या एक्सप्लोर कर लेना है। आपने करंट उठा लिया, करंट को उठाने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पर प्री डिफाइन उन्होंने पहले से ही बता डाला कि भैया हमको ऐसा आपका थीम पार्क बनाने वाले हैं। आपको यहाँ पर कोई कलर का लेआउट चेंज करना हो तो आप यहाँ पर पूरी तरह से अपने थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, तब आप अपने हिसाब से धीरे धीरे करके उसको एडिट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा, और अच्छे से इसको कस्टमाइजेशन सीखना हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। यहाँ पर जाएंगे उसके बगल में कीबोर्ड में, तो आप कीबोर्ड के लिए यहाँ पर थीम क्रिएट कर सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ आपको राउंड दिख रहे होंगे वहाँ वहाँ क्लियर करके आप वहाँ पर कलर या इमेज जो भी आपको लगाना हो, आप अपना कलर या इमेज जो भी आपको लगाना हो यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। जितने जितने आपको राउंड दिए होंगे आप उतनी जगह यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पर सेट आउट कर पाएंगे। तो सेकंड जो ये यहाँ पर इसमें ऑप्शन ये मिलता है, बगल में जाएंगे क्यूब पैनल। क्यूब पैनल की मतलब कि अगर आप नोटिफिकेशन को पैनल को यूज़ करते हैं दैट इज़ अ क्यूब पैनल, इसी को क्यूब पैनल बोलते हैं। तो इसको भी कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है, आप क्रिएट करके भी इसमें कोई भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो जो राउंड राउंड के ऑप्शन दिए गए हैं आप सबको यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो भी आपको कस्टमाइज़ करना है आपको उस पर क्लिक कर देना है, देन आप वो उसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, सेव कर देना है और बाद में इसका यूज़ आप कर पाएंगे। उसी के बगल में आपको आइकन का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप आइकन अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये आइकन्स मिल जाएंगे, आइकन्स के शेप्स मिल जाएंगे प्री डिफाइंस। आपको इनमें से कोई शेप को लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, उसका कलर को भी चेंज आउट करना है तो आप यहाँ पर कलर भी चेंज आउट कर सकते हैं, नहीं तो आइकन पैकेज में जाके आप और सारे बहुत सारे यहाँ पर आइकन्स को यहाँ पर डाउनलोड करके ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आएंगे वॉल्यूम पैनल। वॉल्यूम पैनल को भी यहाँ पर एडजस्ट करने का ऑप्शन दे दिया गया है, आप यहाँ पर क्रिएट करके अपने हिसाब से वॉल्यूम पैनल को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ओवरऑल आप देखें इस थीम पार्क का मतलब क्या है कि ओवरऑल पूरे मोबाइल की थीम को क्रिएट करने के लिए थीम पार्क ऐप को बनाया गया है। बहुत अच्छे से आप उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं एक एक चीज़ को, और यहाँ पर कुछ बक्सेस होंगे थीम क्रिएट्स को लेके या थीम लगाने के बाद उसको यहाँ पर फिक्स आउट कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर 3 डॉट्स पर जाएंगे तो अबाउट थीम सेटिंग मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर जाएंगे चेंज कलर पैलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। कलर पैलेट्स में जो भी कुछ जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने कलर से रिलेटेड उन्होंने काम करा है तो वो आपको यहाँ पर एक्टिवेशन का ऑप्शन मिल जाएगा।
उसके बगल में अबाउट दिस एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसमें आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने थीम पार्क में अपने हिसाब से थीम बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।